हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए जी, गुड इवनिंग सभी लोग। आ जाइए, शुरू करें आज की क्लास दोस्तों। तो गुड इवनिंग जी सभी लोगों, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए फटाफट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका हिस्ट्री, है ना, क्लास 9 का हिस्ट्री आपका चल रहा है। और आज हम लोग होगा चैप्टर नंबर 2। क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया है। और पिछला क्लास आप नहीं देखे तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। और क्लास 6 भी कंप्लीट हो गया है, 7 हो गया है, 8 हो गया है। तीनों का आपका क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज करवा दिया गया है। इसके अलावा ज्योग्राफी में भी दोस्तों आपका क्लास 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, ये सभी करवा दिया गया है आपको। डिटेल से पढ़वा भी दिया गया है ना, लाइन बाई लाइन किताब भी पढ़वा दिए हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आपका क्वेश्चन आंसर भी ज्योग्राफी का आपका पूरा हो गया है। हिस्ट्री हम लोग क्लास 9 कर रहे हैं और 9 में आज होगा चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका चैप्टर है, यहां से आपको बहुत सारा सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, शुरू किया जाए आज की क्लास। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन होने वाला है। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, है ना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी आपका सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं ना, जो भी सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं, तो सामाजिक विज्ञान में आपका दोस्तों 9, 10 से ही आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन का जो लेवल है पूछने का वो आपका अपर रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा वो 9, 10 से ही रहेगा। पूछने का जो भाषा है, लैंग्वेज है और जो तरीका है वो आपका अपर हो सकता है ना। प्रकार जो भी टॉपिक है वो 9, 10 के टॉपिक से ही सवाल पूछे जाएंगे आपके, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये हमारा व्हाट्सएप है, अभी इसमें आपको पीडीएफ लेने के लिए 499 चार्ज है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। ये हमारा ऑनलाइन पे करके आप इसमें प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। 7857824310 वन टाइम आपको पे करना है, कोई मंथली चार्ज नहीं है, है ना, मात्र 499। उसके बाद आपका वीडियो है, पीडीएफ है, पीछे वाला सारे मिल जाएंगे। और आगे आपके सभी चीज लाइव क्लास में मिलते रहेगा और पीछे वाला भी आपको सब चीज मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और चैप्टर नंबर 2 है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग किए थे फ्रांसीसी क्रांति, है ना। कल हम लोग देखे थे लगभग 70 से 75 प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति की। आज हम लोग देखेंगे, इसमें भी कुछ हम क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति से ऐड किए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से भी संबंधित आपका प्रश्न यहाँ पर है। तो आज का पहला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है पहला सवाल है दोस्तों, आप लोग इसका जवाब दीजिए। पहला सवाल है कि यूरोप के अतिवादी जो थे वो किसके विरोधी थे, बताइए। यूरोप के अतिवादी किसके विरोधी थे? निजी संपत्ति के केंद्रीयकरण के, महिलाओं को मताधिकार देने के, या बहुमत संख्या की सरकार के? इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर दोस्तों, बिल्कुल ही सही जवाब। यूरोप के अतिवाद किसके विरोधी थे? तो निजी संपत्ति के केंद्रीयकरण के विरोधी थे आपके, ठीक है। दूसरा है कि फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो ये तो मैंने कल ही आपको बताया था ना कि फ्रांस की क्रांति होती है लुई 16वां के शासन काल में दोस्तों, 1789 ईस्वी में, है ना, 1789 ईस्वी में होती है फ्रांस की क्रांति आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर। आज देखिए हम लोग यहाँ पर लगभग दोस्तों 85 प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। 85+ सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो आज बहुत सारा सवाल है यहाँ पर, और फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब कब्जा कर लिया था? ये चैप्टर 2 का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आज, है ना। कल होगा फिर चैप्टर नंबर 3 आपका। प्रश्न है कि रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कब कर लिया था? अक्टूबर 1917, सितंबर 1917, फरवरी 1917, नवंबर 1917। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, अक्टूबर 1917 में दोस्तों समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था रूस की सत्ता पर, यानी कि रूस की क्रांति के बाद आपका, ठीक है। लिब्रे क्या था दोस्तों? प्रश्न है कि लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा थी, या फ्रांस का झंडा था, या फ्रांस के राजमहल का नाम था, या फ्रांस के शासक का प्रधानमंत्री था? लिब्रे जो था ये दोस्तों फ्रांस की मुद्रा थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5।
फाइव नंबर सवाल है कि क्रांतियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या अवधारणा थी। क्रांतियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या अवधारणा थी। ऑप्शन है कि वे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, बी है कि वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे, या सी है ए और बी दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रवादियों की जो अवधारणा थी दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए एवं बी दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना, क्रांतियों के पीछे राष्ट्रवादियों की भावना। अगला है कि जार किस देश का शासक था ना, जैसे कि जार जो था दोस्तों है ना, आपको जैसे हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति में लुई पल चलता था आपका ना, लुई 14वां, लुई 16वां है ना, लुई 15वां, उसी प्रकार से आपका जो है रूस में दोस्तों यहाँ पर जार होता है, ठीक है। यहाँ पर शासक जो था उसको क्या कहते थे, जार, और ये रूस के शासक थे आपके, किसके शासक थे, रूस के शासक, ठीक है, जार है ना। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न, 7वां सवाल कह रहा है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सब सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था, है ना। देखिए 19वीं सदी के पूर्वार्ध यानी 19वीं सदी से पहले 18वीं सदी में ही दोस्तों आपका यूरोप में औद्योगिकरण होता है, और औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने बहुत सारा मुद्दा आया था, है ना। तो कौन सा मुद्दा यहाँ पर नहीं था, ये आपसे पूछा रहा है। कह रहा है कि काम के ज्यादा घंटे और कम वेतन, अगला ये तो था मुद्दा, बेरोजगारी भी मुद्दा था, प्राथमिक शिक्षा है, और आवास और जल निकासी, कौन सा मुद्दा नहीं था दोस्तों। तो प्राथमिक शिक्षा का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए वीडियो को सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक कर देना है जितने लोग लाइव हैं और जो बाद में देखेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था, बताइए फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था बताइए, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति होता है 1789 में, और इस समय वहां जो शासन था लुई 16वां का था, वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9वां, कि रूस में जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत कब हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए कि रूस में है ना, वहां जो शासक होता था उसको जार कहते थे, तो जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत कब हुआ। तो ये कब हुआ, फरवरी 1960, फरवरी 1917, अक्टूबर 1907, या फरवरी 1910 ईस्वी। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि फरवरी 1917 में दोस्तों स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ रूस में, जार के स्वेच्छाचारी शासन। अगला है आपका, स्टेट से क्या अभिप्राय था, है ना। स्टेट के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, स्टेट के बारे में क्या पढ़े थे फ्रांस की क्रांति में, जैसे कि हमारे यहाँ है ना, आपको जो वर्ण व्यवस्था किया गया था है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी प्रकार से फ्रांस में दोस्तों प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में बांटा गया था लोगों को। प्रथम स्टेट में कौन थे, पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में मजदूर वर्ग और आपका व्यापारी वर्ग थे आपका, ठीक है। तो स्टेट क्या था, तो स्टेट था फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन था स्टेट। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा जी, डी नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 11वां। देखिए बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है कि सर पीडीएफ डिलीट हो गया। भाई साहब आप लोगों का पीडीएफ डिलीट कैसे हो जाता है, मोबाइल भुला कैसे जाता है, है ना, डिलीट कैसे हो जाता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। आप लोगों को जो पीडीएफ दिया जाता है उसको आप लोग अपने ड्राइव में क्यों नहीं सेव कर लेते हैं। सबके मोबाइल में दोस्तों ड्राइव होता है, ठीक है, DRIVE ड्राइव होता है। आप जैसे ही पीडीएफ को ओपन कीजिएगा, मैंने आपको जो व्हाट्सएप पर भेजा हूँ, ओपन कीजिएगा तो राइट साइड है ना, राइट साइड जो बना रहेगा इस प्रकार से ड्राइव है ना, इस प्रकार से आपको ड्राइव एक बना रहेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और वहां पर जो पीडीएफ है उसको सेव कर दीजिएगा। जिंदगी में कभी नहीं डिलीट होगा, जिंदगी भर कभी नहीं डिलीट होगा, क्योंकि ये गूगल पर सेव हो जाता है, ठीक है। ये गूगल पर आपके मोबाइल में नहीं रहता है, जब भी आप वहां से चाहें खोलना इसको खोल सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। तो आपको जो पीडीएफ दिया जाता है ना, हमें भी परेशानी होती है, आपको भी परेशानी होता है ना, बार बार मांगना, बार बार, एक बार आपने पे कर दिया 499, आपको सारा पीडीएफ मिल गया शुरू से अंत तक, ठीक है। ऐसे मैं ग्रुप में भेज देता हूँ दोबारा भी, ठीक है, लेकिन आप उसको ड्राइव में सेव कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, है ना,
ड्राइव हर एक के मोबाइल में होता है, है ना। इस परेशानी से बचने का एक ही उपाय है कि इसको ड्राइव में सेव कर लीजिए, है ना, और ताकि वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। मोबाइल भुला जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको ईमेल आईडी याद होना चाहिए, आपका ड्राइव में सेव रहेगा, ठीक है। आपको बस ईमेल आईडी याद होना चाहिए, है ना, वो ईमेल मेल से आपका वो ड्राइव खुल जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत आपका टेक्निकल का चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, मेल क्या होता है, ड्राइव क्या होता है, ठीक है जी। चलिए प्रश्न है 11 नंबर की, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था, है ना। क्योंकि रूस की क्रांति कब होती है, 1917 में ही होती है रूस की क्रांति, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रूस की क्रांति कब होती है 1917 में, फ्रांस की क्रांति कब होती है 1789 में होती है, ठीक है। तो अक्टूबर 1917 से पहले कह रहा है कि रूस का शासक क्यों कौन था, तो वो था जार निकोलस द्वितीय था, है ना, क्योंकि वहां जार होता था, जार निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे, है ना। द्वितीयक में कौन थे आपका, प्रथम में पादरी थे, है ना, प्रथम में कौन थे, पादरी, ये तो प्रथम हो जाएंगे। द्वितीयक में जो दोस्तों थे वो कुलीन वर्ग थे, है ना, कुलीन वर्ग जो थे वो दूसरे में थे, आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा यहाँ पर देखिए उल्टा पुल्टा हो गया, है ना, तो चलिए इसको ए बना दीजिए और इसको बी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, या फिर ए भी कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका। जो भी इच्छा करे आप यहाँ पर सुधार लीजिएगा, है ना। कुलीन वर्ग जो था, ये बी आपको लिखा हुआ, तो बी ही मान लीजिए इसको, है ना, कुलीन वर्ग था आपका द्वितीय वर्ग में। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, 13 नंबर सवाल है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया, बताइए 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया था, है ना, क्या परिवर्तन आया था जी। तो ऑप्शन है क्रांतियां लाई जाए, या संपत्ति का बंटवारा समान हो, या महिलाओं को संपत्ति का अधिकार न दिया जाए, या फिर समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। तो रूढ़िवादी का दोस्तों यही कहना था कि जो समाज में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए, है ना, जो हमारा वर्चस्व बना हुआ है उसको तुरंत समाप्त नहीं किया जाए, है ना। ये रूढ़िवादियों का था दोस्तों आपका, है ना, रूढ़िवादी यही चाहते थे आपका, ठीक है। उदारवादी क्या चाहते थे, उदारवादी, रूढ़िवादी, रेडिकल, ये आपको जानना चाहिए, है ना, उदारवादी क्या होता है, रूढ़िवादी क्या होता है, आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, कह रहा है कि तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था, तृतीय स्टेट में कौन नहीं था दोस्तों। तो कर्मचारी तो तृतीय स्टेट में था, व्यवसायी लोग भी से थे, किसान भी थे, लेकिन कुलीन वर्ग नहीं था, ये द्वितीय स्टेट में था, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, है ना। तो रूसी जो बोल्शेविक पार्टी था दोस्तों, इसका जो नेता था वो कोई और नहीं, वो था लेनिन। कौन था, तो वो था आपका लेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर की, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था। तो पादरी आपको बता दिए थे कि पादरी जो था वो दोस्तों आपका प्रथम स्टेट में था, है ना। यहाँ से एक सवाल आपको जरूर पूछेगा स्टेट वाला, है ना, तो स्टेट वाला आपको कंफर्म होना चाहिए, सारे चीज आपके जितने भी प्रश्न उससे बनते हैं आपके। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है, है ना। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दोस्तों, है ना, उससे पहले कह रहा है कि यूरोप के बारे में कौन सा आर्थिक परिवर्तन यहाँ पर सत्य नहीं था। नए शहरों की बढ़ोतरी, जी हाँ, नए शहरों की बढ़ोतरी हो रही थी जब औद्योगिकरण हुआ था आपका यूरोप में, है ना, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी हो रहा था, वायु मार्गों का विस्तार, औद्योगिक क्रांति भी हो रही थी। वायु मार्ग का विस्तार ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, सी नंबर जो है आपका ये परिवर्तन सत्य नहीं है, बाकी आपका ए बी और डी आपका बिल्कुल सही है, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फ्रांसीसी समाज में दोस्तों 90% जो जनसंख्या थी ना वो किसानों की थी, और यही 90% जो किसान थे ये टैक्स देते थे आपका, है ना, टैक्स देते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर कि रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, है ना। देखिए इस तारीख में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी बुक में कहीं आपको 24 मिलेगा, गूगल करके देखिएगा आपको मिलेगा 25 अक्टूबर, है ना। तो यहाँ पर आप 24 दिखे तो 24 मारना है ऑप्शन में, एग्जाम में अगर 25 दिखे तो 25 मारना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा आपका 24 या फिर 25, है ना। तो 25 अक्टूबर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, ठीक है। 1917 की जो क्रांति हुई थी, ये जो तारीख तय किया गया था वो 25 अक्टूबर 1917 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला है कि इनमें से किससे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था, है ना। तो राज्य को जो कर दिया जाता था, है ना, तो छूट किसको दिया गया था, तो छूट पादरी वर्ग को दिया जाता था। पादरी वर्ग जो थे आपका ये प्रथम स्टेट में थे और पादरी वर्ग टैक्स नहीं देते थे। पादरी और कुलीन याद रखना है, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट वाले कर्ज नहीं देते थे, बाकी जो तृतीय स्टेट के थे वो कर्ज देते थे। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला है आपका दोस्तों 21 नंबर सवाल, कह रहा है कि रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था। रूस में कह रहा है कि 1917 में, है ना, रूस में कब, तो 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था, तो सैनिक क्रांतिकारी का नेता जो था दोस्तों लियोन ट्राटास्की था आपका, लियोन ट्राटास्की था ऑप्शन नंबर आपका ए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता लियोन ट्राटास्की, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था। देखिए दो प्रकार का टैक्स लगता था आपका, है ना, फ्रांसीसी क्रांति में, है ना, फ्रांस में दो प्रकार का टैक्स था, एक तो धार्मिक कर था और एक आपका प्रत्यक्ष कर लिया जाता था दोस्तों, जिसको कहते हैं टाइल। तो प्रत्यक्ष कर जो कौन था वो टाइल था, और जो धार्मिक कर था वो कौन था, टाइद था, है ना, वो टाइद था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका 23 नंबर कि लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि लेनिन ने दोस्तों अपनी अप्रैल थीसिस के द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। बताइए अप्रैल थीसिस जो मांगे रखी गई थी लेनिन के द्वारा दोस्तों, उसमें क्या शामिल नहीं था, युद्ध समाप्त किया जाए या फिर युद्धों को मजदूरों के हवाले किया जाए, सॉरी उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, या जमीन किसानों के हवाले किया जाए, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं था अप्रैल थीसिस में, देखिए युद्ध को समाप्त किया जाए ये शामिल था आपका, ठीक है, जमीन जो है किसानों के हवाले कर दिया जाए ये भी शामिल था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए ये भी शामिल था, लेकिन ऑप्शन जो बी दिया गया है ना, उद्योगों को मजदूर के हवाले कर दिया जाए, ये मांग नहीं था, ये उसमें शामिल नहीं था अप्रैल थीसिस में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न में चलता हूं 24 नंबर, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कौन था, तो टाइद था, मैं आपको कई बार बता चुका हूं टाइद, है ना, याद रखना है टाइद आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जब तक याद नहीं होगा आप लोग को रिवीजन करवाते रहेंगे। अगला है आपका 25 नंबर की सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। देखिए सोवियत संघ जो है ना दोस्तों, इसका पहले और भी बहुत बड़ा था, अभी भी आपका विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका सोवियत संघ ही है क्षेत्रफल में आपका, है ना, लेकिन पहले और बड़ा था। आज जो यूक्रेन से जो युद्ध हो रहा है, यूक्रेन पहले रसिया का ही था आपका, है ना, दोनों साथ में ही था आपका, ये अलग होता है 1991 में दोस्तों, 15 देशों में इसको विभाजित किया गया था, ठीक है, 15 देशों में इसको बांट दिया गया था सोवियत संघ को। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1991 में आपका। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर कि समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे। प्रश्न है कि समाजवादी जो है ये सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या धन के समान वितरण को, या उत्पादन के साधनों पर समाज के अधिकार को, या निजी संपत्ति को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बुराइयों की जड़ मानते थे वो निजी संपत्ति को ही मानते थे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा समाजवादी। अगला प्रश्न है कि टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है। बताइए टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है, रूसो है, मोंटेस्क्यू है, लॉक है, या वॉल्टेयर है। आंसर हो जाएगा आपका जॉन लॉक, है ना, क्या हो जाएंगे वो दोस्तों, जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। मैं चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। बताइए दोस्तों रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कब कर लिया, ऑप्शन आपका दिया गया है अक्टूबर 1917, सितंबर 1917, फरवरी 1917, या नवंबर 1917। तो आपका वो डेट हो जाएगा अक्टूबर 1917 में आपका, है ना, अक्टूबर 1917, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि द स्प्रिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है दोस्तों। बताइए द स्प्रिट ऑफ लॉज के लेखक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है मोंटेस्क्यू। कौन है, मोंटेस्क्यू या फिर मोंटेस्क्यू है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मोंटेस्क्यू।
नेक्स्ट है आपका 30 नंबर प्रश्न कि अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था, बताइए। अन अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था, वो था जार निकोलस द्वितीय ही था। अक्टूबर 1917 से पहले शासक जार निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है आपका 31 प्रश्न कह रहा है कि स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था, बताइए। स्टेट जनरल के आह्वान पर दोस्तों तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का जो गठन हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन 1789 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या है, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है और अच्छा सवाल है कि सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम है दोस्तों वो पेत्रोग्राद है ना, पेत्रोग्राद इसका नया नाम है, ठीक है, पेत्रोग्राद इसका नया नाम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर सवाल, 33 है कि रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था, बताइए। रूस में 1917 में दोस्तों सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता कौन था, तो वो था आपका ट्रॉटस्की। कौन था जी? ट्रॉटस्की था रूस में, है ना, रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता ट्रॉटस्की। ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉटस्की सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता। देखिए मैं 3-4 बार इसलिए बोलता हूँ ना ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए, है ना, सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए, है ना। सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना था, बताइए। फ्रांस में जो संविधान बनाया गया था, है ना, फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में और ये जो संविधान बना था 1791 ईस्वी में, है ना, 1791 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब 1791। रॉबर्ट ओवन समाजवादी था दोस्तों, बताइए। रॉबर्ट ओवन समाजवादी था, रूसी, फ्रांसीसी या अंग्रेज या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? रॉबर्ट ओवन दोस्तों कौन था ये बताना है आपको। रॉबर्ट ओवन जो था ये समाजवादी था, ये रूसी था, फ्रांसीसी था, अंग्रेज था या इनमें से कोई नहीं था, ये हो जाएगा आपका अंग्रेज, है ना। ये कैसा समाजवादी था, कहाँ का था रूस रॉबर्ट ओवन, तो ये अंग्रेज समाजवादी था आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर सवाल कह रहा है कि रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम क्या था। देखिए रूसी आबादी जो थे ना था उस समय, है ना, 1917 में दोस्तों, तो उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो खेती बाड़ी में लगे हुए थे, है ना, यानी कि कृषि कार्य में लगे हुए थे। अगर कृषि ऑप्शन में रहे तो कृषि भी आप मार दीजिए, है ना, अधिकतर जनसंख्या जो था आपका कृषि कार्य में ही लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका। अगला है कि फ्रांस गणराज्य कब बना था, बताइए। फ्रांस गणराज्य कब बनेगा, तो 1792 ईस्वी में, है ना, संविधान यहाँ पर लागू हो गया था 1792 ईस्वी में फ्रांस में। अगला प्रश्न है आपका कि रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था दोस्तों, बताइए। रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था, केवल ग्रीन्स ने केवल व्हाइट्स दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा दोस्तों? तो गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन्स और व्हाइट्स दोनों ने। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फ्रांसीसी समाजवादी कौन था, बताइए। फ्रांसीसी समाजवादी कौन था, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांसीसी समाजवादी कौन था जी, तो आंसर क्या होगा बताइएगा? फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन या लुई ब्लांक। तो फ्रांसीसी समाजवादी कौन था? आंसर हो जाएगा आपका लुई ब्लांक, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ, तो नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट बना था ये कब बना था दोस्तों, बताइए कब बना था जी, एकदम याद रखना चाहिए। कल भी ये सवाल मैंने बताया था और ये सब सवाल हमेशा पूछा जा सकता है, और ये हो जाएगा 1804 ईस्वी, है ना, नेपोलियन आपका फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 41 सवाल कह रहा है दोस्तों कि किस समय में, है ना, प्रश्न है कि किस समय में
प्रश्न है कि किस समय में रूस का रेल नेटवर्क फैलाया गया और उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। बताइए किस समय में दोस्तों रूस का रेल जो नेटवर्क था वो काफी फैलाया गया और उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था आपका। तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो वो हो जाएगा दोस्तों 1890 के दशक में, है ना, 1890 के दशक में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि कब वोल्शेविक ने रूसी प्रश्न है कि कब वोल्शेविक ने रूसी साम्राज्य पर पुनर्नियंत्रण स्थापित किया था। तो बोल्शेविकों ने दोस्तों रूसी साम्राज्य पर जो पुनर्नियंत्रण स्थापित किया था वो आपका हो जाएगा 1920 ईस्वी में। और 1920 कब, तो जनवरी 1920, पूरा डेट याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आपको दे देगा, है ना, तो जनवरी 1920 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए वाटरलू का युद्ध कब होता है, 1804, 1809, 1815 या 1821। वाटरलू का युद्ध होता है दोस्तों 1815 ईस्वी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, 1815 ईस्वी में हुआ था वाटरलू का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे, बताइए कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे दोस्तों, समाजवादी थे, पूंजीवादी थे, सामंतवादी थे या वाणिज्यवादी थे या आतंकवादी थे, कहाँ का होगा बताइए। कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स जो थे दोस्तों ये सामंतवादी थे, कौन थे, सामंतवादी थे, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामंतवादी। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर सवाल, कह रहा है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है याद रखिएगा, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन कब हुआ था। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी इसका गठन जो होता है वो 1898 में, कब होता है 1898 में, याद रखना है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी 1898। नेक्स्ट है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये पुस्तक है दोस्तों रूसो का, है ना, किसका है, रूसो का ये पुस्तक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रूस में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1927 से लेकर के 32 तक, है ना, 1927 से लेकर के 32 तक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, 48 सवाल कह रहा है कि तीसरा स्टेट क्या है, बताइए तीसरा स्टेट क्या है, नाम से प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट किसने लिखी थी, बताइए तीसरा स्टेट क्या है, नाम से प्रचार पुस्तिका दोस्तों किसने लिखी थी, मिराबियो, आबेसिए या मोंतेस्क्यू या फिर रूसो, तो ये लिखा गया था आबेसिए के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया था, आबेसिए के द्वारा, आबेसिए के द्वारा, है ना, तीसरा स्टेट क्या है। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि समाजवाद का मानना है, समाजवाद का क्या मानना है, समाजवाद का क्या मानना है, तो समाजवाद का क्या मानना है, ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से जवाब दीजिए, आपके पास है 2 सेकंड। देखिए समाजवाद का मानना है कि सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है, समाजवाद का क्या मानना है कि सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था, आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आप जवाब दीजिए, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्यागपत्र जो दिया गया था वो 2 मार्च 1917 ईस्वी को, 2 मार्च 1917 ईस्वी को दोस्तों ये जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था दोस्तों, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो था वो विंटर पैलेस पहुंचा था,
है ना, रॉबर्ट ओवेन या पादरी गैपॉन या फिर फादर टेटे या फिर इनमें से कोई नहीं। मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था, आंसर हो जाएगा आपका पादरी गैपॉन, है ना, पादरी गैपॉन ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर सवाल। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। सक्रिय नागरिक किसको कहा गया था दोस्तों उस समय, है ना, तो सक्रिय नागरिक जो कहा गया था फ्रांस की क्रांति के समय, जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का हो, है ना, और पुरुष हो, महिला नहीं, पुरुष, जिन्हें मत देने का अधिकार हो, उसे ही सक्रिय नागरिक कहा गया था, है ना, 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार हो उसे कहते हैं सक्रिय नागरिक। सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर प्रश्न है कि 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था। बताइए दोस्तों, आपके पास समय है 5 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वे गैर कानूनी थे, यानी 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था, तो वे गैर कानूनी थे आपके, है ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम बताइए। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम आपके पास है 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5। तो समय समाप्त होता है, आंसर हो जाएगा आपका पेत्रोग्राद, है ना। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या था जी, पेत्रोग्राद था, याद रखना है दोस्तों, है ना, पेत्रोग्राद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध किससे है। बताइए, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध है समाजवाद से, पूंजीवाद से, या समाज साम्राज्यवाद, पूंजीवाद या समाजवाद, और ऑप्शन नंबर डी है आपका दोस्तों सामंतवाद से, है ना। तो द्वितीय इंटरनेशनल का जो संबंध है वो है आपका समाजवाद से, ठीक है जी, किससे है, समाजवाद से संबंध है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका। अगला है 56 की जैकोबिन क्लब क्या था। बताइए जैकोबिन क्लब क्या था, है ना, जैकोबिन क्लब क्या था ये बताना है। तो अमीरों सामंतों का जुआ खेलने का अड्डा, नहीं नहीं नहीं, पादरियों के सामूहिक चर्चा स्थल, नहीं, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का आश्रम, नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि छोटे दुकानदार और कारीगरों का जो क्लब था उसी को कहा गया था जैकोबिन क्लब। और इसके जैकोबिन क्लब के हेड कौन थे, रोबेस्पियर, है ना, रोबेस्पियर आतंक वही ने शुरू किया था जी, आतंक का राज्य। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर, रूसी वोल्सेविक पार्टी का नेता कौन था। बताइए रूसी वोल्सेविक पार्टी का नेता कौन था, लेनिन, मार्क्स, मैक्सिम गोबी या फिर इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा आपका लेनिन, है ना, आंसर हो जाएगा क्या, लेनिन जो था ये था दोस्तों आपका बोल्शेविक पार्टी का नेता। अगला सवाल है आपका कि लुई सोलहवां के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे। तो अभी बताएं कि जैकोबिन क्लब का वो नेता था, है ना, दुकानदारों और कारीगरों का नेता, जैकोबिन क्लब का नेता, और उसका नाम क्या था, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, है ना, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और ये इतना ज़्यादा दोस्तों, इतना ज़्यादा ये उग्र हो गया, है ना, कि मतलब जिसको पारे उसी को गुलेटिन पर चढ़ा दे, है ना, उसी को धड़ मतलब सर अलग कर दिया जाए। अगला प्रश्न है कि रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन हुआ था। जी हाँ, तो रूस के संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा, है ना, यह ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ड्यूमा का जो गठन होता है ये कब होता है, 1905, 1907, 1915 या फिर आपका 1917, क्या होगा। तो ड्यूमा का गठन होता है आपका 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर है 60 नंबर कि रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या था। बताइए रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म जो था वो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च था। क्या था, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 61 नंबर कि आतंक का राज किसने स्थापित किया था। जी हाँ, तो आतंक का राज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकोबिन क्लब का वो नेता था और जिसका नाम था रोबेस्पियर। किसका नाम, उसका क्या नाम था, जैकोबिन क्लब का नेता रोबेस्पियर, ऑप्शन नंबर बी,
है ना, देखिए बहुत ये मेहनत लगा है ये क्वेश्चन बनाने में, है ना, पूरे किताब से छाटना, एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से, और फिर उसको पीडीएफ के रूप में टाइप करना, बनाना, कितना मेहनत है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहीं से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो भी सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं, है ना, तो जो भी सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं, आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, ताकि आप सभी लोग, है ना, आप सभी लोग का किसी प्रकार से रिजल्ट हो जाए, है ना, हमारे यहाँ से रिजल्ट आप सभी का हो जाए। और इसका पीडीएफ नोट्स हमारा मिल जाएगा दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप में, अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा, है ना, मात्र अभी 499 का उसमें चार्ज है। हमारा नंबर है 7857824310, यही व्हाट्सएप नंबर भी है, और यही आपका फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम नंबर भी है, है ना, 499, इसी पर आपको ऑनलाइन पे करके स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर भेज देना है, है ना। व्हाट्सएप पर भेजने के लिए आपको नंबर को सेव करना होगा, फिर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा, डेली क्लास भी मिलेगा, पीछे वाला वीडियो भी मिल जाएगा और उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए तो प्रश्न है दोस्तों 62 नंबर के, रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो गया, तो ड्यूमा जो है दोस्तों ये आपका रूस के संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहा जाता है ना, ड्यूमा कहा जाता है रूस के संसद को, याद रखना है। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी में, है ना, 1905 ईस्वी, और किससे संबंधित है भारत में, तो आपको पता होगा, है ना, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि गिलोटिन क्या था भाई साहब, है ना, ये गिलोटिन कोई खाने पीने वाला चीज़ नहीं था, ये बहुत खतरनाक चीज़ था, है ना, गिलोटिन जो था ये कैदियों को कैद करके रखने वाला जेल था, नहीं, खेल का मैदान था, नहीं था। अगला है आपका सी नंबर कि सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन थी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना, ये दो को खंभा रहता था और यहाँ पर दोस्तों आदमी को लटा दिया जाता था नीचे में, है ना, और ऊपर से दोस्तों एक धारदार हथियार इसके सर पर गिरता था और सर एकदम खच से अलग हो जाता था, है ना, धड़ से, ये था सिर जो था धड़ से अलग करने वाली मशीन थी, है ना, और रोबेस्पियर को लास्ट में इसी पर चढ़ा देता है दोस्तों, है ना, और लुई 16वां को भी इसी पर चढ़ा दिया जाता है, है ना, सभी लोगों को जो भी गलत करता है इसको गुलेटिन पर चढ़ा दिया जाता है। अगला है कि अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था, तो अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था दोस्तों, अलेक्जेंडर, है ना, क्रेस्की, अलेक्जेंडर क्रेस्की था आपका रूस का प्रधानमंत्री, ठीक है, अलेक्जेंडर क्रेस्की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला है कि क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय क्या था, मैंने बताया था कि जब रूसी क्रांति होती है आपका 1917 ईस्वी में, तो वहाँ के अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे, है ना, वहाँ के अधिकतर लोग किस कार्य में लगे हुए थे, कृषि कार्य में लगे थे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, कृषि कार्य, है ना, ना ही व्यापार होगा, ना खनन होगा, ना कारखानों में काम, ज़्यादातर लोग आपका कृषि कार्य में लगे थे आपका। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, है ना, देखिए रूस में जार शासक होता था ना, जैसे जार निकोलस द्वितीय प्रथम, है ना, और जैसे फ्रांस में होता था आपका लुई, है ना, बुर्बो राजवंश का था आपका लुई, तो 1917 में प्रश्न है कि जारशाही के पतन की घटना को कहते क्या है, तो इसी को तो कहते हैं अक्टूबर क्रांति, है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है दोस्तों आपका क्या, तो अक्टूबर क्रांति इसी को कहा जाता है ना, ध्यान रखना है अक्टूबर क्रांति आपका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला है कि क्रांति से पूर्व रूस के सूती वस्त्र उद्योग में हड़ताल हुई, तो क्रांति से पहले रूस के सूती वस्त्र उद्योग में हड़ताल कब हुई ये आपसे पूछ रहा है, 1914, 96, 97 या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1916 या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1904। तो देखिए क्रांति से पूर्व दोस्तों रूस में जो वस्त्र उद्योग में जो हड़ताल हुआ था वो हुआ था आपका 1966-67 में हुआ था, ठीक है, 1966-67 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 67 प्रश्न क्या कह रहा है कि रूसी इतिहासकार, है ना, प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि रूसी इतिहासकार में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खूनी रविवार किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया है खूनी रविवार क्या है, तो रूसी इतिहास में, रूस के इतिहास में एक क्रांति हुई थी और ये हुई थी दोस्तों आपका 1905 की क्रांति, जी हाँ 1905 की जो क्रांति है इसी को कहते हैं क्या,
तो खूनी रविवार, ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करना है, याद रखना है। अगला है कि जार किस देश का शासक था, तो काफी आसान सवाल है, जार जो किसका था, तो जार था दोस्तों आपका रूस का शासक था ना, जार कहाँ का शासक था, तो रूस का शासक था, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर कह रहा है प्रश्न कि 1914 से रूस में निम्नलिखित दल अवैध था। हाँ देखिए 1914 से पहले रूस में कौन से दल अवैध थे, ऑप्शन ए है दोस्तों आपका रूसी समाजवाद वर्क्स पार्टी, बी नंबर है आपका बोल्शेविक दल, सी नंबर है आपका मेंशेविक दल और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो कौन सा दल यहाँ पर दोस्तों अवैध था, तो ये सारे दल अवैध थे, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी इनमें से सभी। अगला है कि लेनिन कौन था, बताइए दोस्तों लेनिन कौन था, है ना, बोल्शेविक पार्टी का नेता था या फिर आपका अंतरिम सरकार का नेता था या मेंशेविक पार्टी का नेता था या उदारवादी दल का नेता था, तो आपको पता होगा कि जो बोल्शेविक था ये कौन था, तो ये था दोस्तों आपका बोल्शेविक पार्टी का नेता। जी हाँ कौन था, तो ये लेनिन कौन था, तो बोल्शेविक पार्टी का नेता, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है ना, लेनिन कौन था, तो बोल्शेविक पार्टी का नेता, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर कि रूस में राजशाही का अंत कब हुआ, बताइए रूस में दोस्तों राजशाही का अंत कब हुआ, है ना, राजशाही का अंत कब हुआ रूस में, तो कौन सी क्रांति हुई थी, क्रांति थी आपकी रूस की क्रांति, है ना, और रूस की क्रांति होती कब है, तो रूस की क्रांति होती है आपका 1917 में, है ना, 1917 ईस्वी में होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1917 फरवरी 1917, ठीक है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला है आपका 73 नंबर कह रहा है कि कूलक से क्या समझते हैं, ना कूलक क्या था दोस्तों, बताइए कूलक से क्या समझते हैं, तो सेना की अच्छी हालत को कूलत कहते हैं या किसान की अच्छी हालत को या राजा की अच्छी हालत को या रानी की अच्छी हालत को, कूलक होता है दोस्तों आपका किसान की अच्छी हालत को क्या कहा जाता था, कूलक कहा जाता था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर कि रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे, बताइए रूसी साम्राज्य में, है ना, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक, है ना, मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे, जो बताना है ना, मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे ये बताइएगा, ड्यूमा कहते थे, ड्यूमा तो वहां के संसद का नाम था, उलेमा कहते थे, उलेमा भी नहीं होगा, है ना, जांदी दिस्ट कहते थे दोस्तों, है ना आंसर हो जाएगा आपका जांदी दिस्ट, बहुत नाम टेढ़ा है याद रखिएगा, है ना जांदी दिस्ट कहा जाता था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर प्रश्न है कि रूसी उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की, बताइए सॉरी सामाजिक उपबंध, है ना रूस बोलते बोलते दिमाग में रूस ही आ गया है, है ना, तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की ये बताना है, रूसों ने किया है या फिर आपका दिद्रो ने किया है या वोल्टेयर ने किया है या थॉमस पैन ने किया है, तो दोस्तों सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक है इसको किसने रचना किया है, तो रूसों ने ही किया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है 76 नंबर कि पेत्रोग्राद, जी हाँ पेत्रोग्राद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताना है कि पेत्रोग्राद सोवियत का गठन किसने किया था, बताइए पेत्रोग्राद सोवियत का गठन जो किया गया था वो किसानों ने, सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों ने या भूस्वामियों ने या फैक्ट्री मालिकों ने, किसने किया था बताइए जल्दी से, आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी नंबर सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों ने, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर। अगला सवाल है 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भिक्षु रूसी रूस की जरीना का सलाहकार था, निम्नलिखित भिक्षु रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया, वो कौन था दोस्तों निम्नलिखित में से जो रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया, वो रासपुतिन था या व्लादिमीर पुतिन था या क्रेस्की था या लेनिन था दोस्तों, वो कौन था, तो वो था आपका रासपुतिन, जी हाँ ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर रासपुतिन। अगला सवाल है आपका 78 नंबर कि रूस में कोल खोज क्या था, बताइए रूस में कोल खोज क्या था, आंसर क्या होगा जी, रूस में
कोल खोज क्या था? बताइए, सामंत था या सामूहिक खेती था या सामूहिक प्रार्थना था या विद्रोह था? तो कोल खोज जो होता है वो होता है आपका सामूहिक खेती, है ना। सामूहिक खेती ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, सामूहिक खेती। अगला हो जाएगा आपका 79 नंबर सवाल, कह रहा है कि रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी, है ना। ये तारीख कौन सी तय की गई थी, देखिए तारीख में थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी आपको 24 अक्टूबर मिलेगा और कभी 25 अक्टूबर मिलेगा, ठीक है, है ना। तो आपको आंसर ज़्यादा करके आपको 25 ही मिलेगा दोस्तों, तो आप यहाँ पर 25 अक्टूबर को टिक कर सकते हैं, है ना। ऐसे एनसीईआरटी बुक में लगता है 24 अक्टूबर दिया है, है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। और गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको 25 अक्टूबर ही मिलेगा, हम कई जगह देखे इसके बारे में क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था तो हमें लगा कि 25 अक्टूबर ही सही होना चाहिए आपका, है ना। सी नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए और अगला सवाल है आपका दोस्तों 80 नंबर की, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसने दिया था, है ना। यह विचार किसने दिया था कि पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, क्रेस्की ने या फिर प्रिंस लेव ने। तो ये जो विचार दिया था दोस्तों ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था कि पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स हैं दोस्तों दास कैपिटल के लेखक, याद रखिएगा। 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया था, तो 1929 में रूस में दोस्तों सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो किसके द्वारा, तो स्टालिन के द्वारा, कि किसके द्वारा, तो स्टालिन के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल है आपका 82 नंबर, देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग प्लीज लाइव हैं, है ना, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है, इससे हमें एक रुपया भी नहीं मिलता, है ना, इसे चमन्नी भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, है ना, बस थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगता है कि मोटिवेट कि हाँ आपने हमें लाइक कर दिया, है ना, थोड़ा सा कि हाँ इतने लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है ना, और कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गुलेटिन पर कब चढ़ाया गया था, हाँ तो इसको भी गुलेटिन पर चढ़ा दिया गया था, है ना, इसको भी बुलेटिन पर चढ़ा दिया गया था रोबेस्पियर को, और आतंक का राज्य दोस्तों इसी को कहा जाता है, है ना। तो 1794 ईस्वी में इसको चढ़ाया गया था बुलेटिन पर, है ना, ये बहुत खचड़ आदमी था, है ना, जिसको पड़ता था उसी को बुलेटिन पर चढ़ा दे, जहां कोई कुछ बोले उसको चढ़ा दो, इसके जो समर्थक थे उसको भी चढ़ा रहा था, तो फिर सभी लोग मतलब कि उब गए और इसको लास्ट में इसी को फिर चढ़ा दिया गया उस पर, लो बेटा जाओ अंदर। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर कि रूस में अंतरिम सरकार में कौन से समूह प्रभावशाली नहीं थे, बताइए रूस में अंतरिम सरकार में कौन से समूह प्रभावशाली नहीं थे, आपको ये बताना है अंतरिम सरकार में कौन से समूह प्रभावशाली नहीं थे। ऑप्शन है सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, किसान या उद्योगपति। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रभावशाली नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर किसान, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 84 नंबर कि फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि फ्रांस में है ना है उन लोग विकसित कंट्री, लेकिन महिलाओं को दोस्तों वोट देने का अधिकार बहुत इन लोग पीछे दिया है ना, बहुत पीछे दिया गया है, और कब दिया गया है बताइएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1946 ईस्वी में, है ना, 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, बताइए लेनिन के बाद, है ना, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो किसने किया था, वो करने वाला कोई और नहीं तो स्टालिन ही था आपका, है ना, स्टालिन ही था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, स्टालिन। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर, है ना, 86 नंबर प्रश्न है कि कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया, ठीक है, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया, 1789, 1791, 1793 या 1794, क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1794, 93, 91, 89, तो आंसर हो जाएगा आपका 1794 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब।
है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा तो टोटल इतने ही सवाल था इसमें दोस्तों, है ना, 86 प्रश्न ही था इसमें और बहुत मज़ेदार प्रश्न था। और पूरा चैप्टर से हम जो भी अच्छा सवाल लगा, जो भी पूछने वाला सवाल लगा, उसको हम यहाँ पर लाने का प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं समझिए कि क्वेश्चन समाप्त हो गया है ना। अभी आपका एनसीईआरटी जो सीरीज चल रहा है ये समाप्त हो रहा है, और जैसे ही एनसीईआरटी सीरीज समाप्त हो जाएगा तो फिर सभी सब्जेक्ट का आपको सम्मिलित रूप से हम टेस्ट लेंगे, है ना। जितने भी आपका चार सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। ध्यान रखना है, चारों सब्जेक्ट से एग्जाम में पूछेगा आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको ये व्हाट्सएप है जहां आपको मिल जाएगा, 499 इसमें चार्ज है, है ना। एक बार आपको पे करना होगा, ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, ऑनलाइन पे करके इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप भेज देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि आपने पेमेंट किया कि नहीं। आप खुद से कर सकते हैं, कहीं और से भी करवा सकते हैं, किसी दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका व्हाट्सएप होगा उसी से आप अपना स्क्रीनशॉट भेजना है ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके। और आपको पीछे जितनी क्लासेज हो गई है आपका एनसीईआरटी, जैसे कि 6 to 8 तक आपका जो हिस्ट्री हो गया है कम्प्लीट, 9 चल रहा है अभी, और ज्योग्राफी में आपका 6 to 10 कम्प्लीट हो गया है आपका, है ना। इसके बाद हम पॉलिटी शुरू करेंगे आपका, ठीक है, पॉलिटी 9-10 शुरू करेंगे, और फिर आपका इकोनॉमिक्स भी होगा आपका, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम कंबाइंड टेस्ट चलेगा आपका, सभी को सम्मिलित करके एक साथ आपका, ठीक है जी, है ना। पूरे इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों सेक्शन रहेगा टेस्ट में, 80 सवाल वाला। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का डेली एक टेस्ट फिर 80 सवाल का लिया जाए, है ना। और 40 नंबर वाला है या फिर जो 1 to 5 वाले हैं तो उनका तो 3 बजे तैयारी चल ही रहा है, और ये भी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी उनको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो इसमें 499 अभी मात्र चार्ज है, है ना। आप इसमें जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को करते रहना है दोस्तों, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपका अपडेट होगा, जो भी आपका सवाल होगा, है ना, कोई भी सवाल हो तो अपना नीचे कमेंट कर देना है। और आप लोग का फॉर्म भराना शुरू हो गया है तो आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।